में एक पीटर रहता था। खेतों के बगल में उसकी एक बहन थी, उसके अलावा कोई नहीं था। एक दिन उसका मन किया कि जाके राजा को बेवकूफ बना के कुछ पैसे कमाया जाए। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मैं पीटर हूँ, आपको बेवकूफ बनाना चाहता हूँ। ठीक है, बेवकूफ बनाओ मुझे। लेकिन महाराज, बेवकूफ बनाने वाला सामान मेरे घर पे है, घर मेरा बहुत दूर है। ठीक है, मेरा घोड़ा लेके जाओ। ठीक है महाराज। इतना समय हो गए लेकिन पीटर वापस नहीं आया। हाँ, बहुत चालाक है वो, उसे सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ, पहरी मेरा घोड़ा निकालो। उसके बाद घोड़े पे चढ़कर राजा चला गया पीटर के तलाश में। ढूंढते ढूंढते राजा पहुंचा पीटर के घर पे। पता है बहन, आज राजा का घोड़ा बेचकर बहुत इनकम हुआ है, उसी से मुर्गा लेके आया हूँ, आज पेट भर खाएंगे। भैया सर्वनाश हो गया, राजा हमारे घर की तरफ ही आ रहे हैं। सच में? एक आइडिया आया है, सुन मेरी बात। आप मत चिंता कीजिए भैया, मैं सारा बंदोबस्त कर लूंगी। ऐ धोखेबाज, क्या कर रहा है तू? जी चावल पका रहा हूँ। चावल बना रहा है? तो चूल्हा कहाँ है? ये तो एक टूटा हुआ सिलबट्टा है। जी हम लोग बहुत गरीब है, लकड़ी कहाँ से खरीदेंगे, इसीलिए एक सन्यासी ने मुझे ये सिलबट्टा दिया है। दो मंत्र सिखाए हैं, उसी से पकता है। ये सिल मुझे दे दे तो फिर मैं तेरा घोड़ा चुराया हुआ अपराध माफ कर दूँ। महाराज मैं गरीब इंसान हूँ, आप सिल ले लेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? दया कीजिए महाराज। ठीक है रोना धोना अब बंद करो, ये ले। क्या मैं बोलूं महाराज, जब अपमान नहीं रहे हैं तो ये लीजिए सिल और सीख लीजिए मंत्र। मंत्र बताओ। ओम ह्रीं क्रीं 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 समुदाय नमः। काली जादू बली सिल से मैं पुलाव पकाऊंगा और सबको खिलाऊंगा। ओम ह्रीं क्रीं 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 ओम चामुंडाय स्वाहा। ये क्या महाराज, देखते ही देखते 3 घंटा बीत गए, पुलाव पकना तो दूर की बात है, अभी तक पानी भी गर्म नहीं हुआ। महाराज पीटर फिर से आपको बेवकूफ बनाया। बार बार मुझे बेवकूफ बनाता है, सजा मिलेगा सेनापति। आदेश महाराज। पीटर को जाके एक लकड़ी के डब्बे में उसे बंद कर दो और उसे ऊंचे पहाड़ पे ले जाओ। 3 दिन उसे वैसा ही रखना, भूखे मारे। जब वो छटपटाएगा तब उसे समुंदर में फेंक देना। राजा की बातों के अनुसार वैसा ही हुआ, लेकिन भगवान जिसे ना मारना चाहे तो उसे इंसान क्या मारेंगे। वैसे ही पीटर के साथ हुआ, बक्से से बाहर निकलने के लिए जोर जोर से गाना गाने लगा। जो स्वर्ग जाना चाहता है वो इस बक्से को खोलो 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 खोलो। जो स्वर्ग जाना चाहता है वो इस बक्से को खोलो खोलो खोलो। बक्स एक विदेशी बनिया वहां से जा रहा था, पीटर की आवाज सुनकर उसे बाहर निकाला।
और उससे कहा, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, इसीलिए इस बक्से में बैठा हूँ। आज रात में देवदूत आके मुझे स्वर्ग ले जाएंगे। बेटा, मैं 100 साल का बूढ़ा हूँ, स्वर्ग जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मौत नहीं होती। तुम तो अभी जवान हो, तुम क्यों मरना चाहते हो? मेरा जायदाद ले लो, बदले में मुझे जाने दो। पीटर उस बूढ़े व्यक्ति की बात मान गया, जाके बक्से में बैठ गया बूढ़ा। रात के अंधेरे में राजा के सैनिक उस बक्से को समुंदर में फेंक दिए। उस बूढ़े बनिया की संपत्ति से पीटर और उसकी बहन राजा रानियों जैसे रहने लगे, और राजा स्वयं उन लोगों की इज्जत करने लगा। देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। अच्छा कविरत्न, नितंग नवंग का मतलब क्या है? प्रणाम महाराज। अरे आओ गोपाल, आओ आओ। तुम नितंग नवंग का मतलब जानते हो? अरे वो तो मूर्ख है, वो नितंग नवंग का मतलब कहाँ से बता पाएगा महाराज। दूसरों की कमजोरी का मजाक उड़ाना बंद करो आप, समझे? और आपको कैसे मालूम कि इस बात का अर्थ मुझे नहीं मालूम है? हाँ, ओह जानते हो इसका मतलब, तो फिर अच्छी बात है। तब कल सुबह तक इस बात का अर्थ उदाहरण सहित हम लोगों को बताना। ठीक है, तो फिर बताऊंगा। एक क्या जी, इतनी मुश्किल बात उदाहरण देके समझाना पड़ेगा? हाँ, अगर नहीं सकिएगा तो क्या होगा जी? और क्या होगा, मेरी बेइज्जती होगी। क्या नकुल, बाजार कब का गया था और अभी लौट रहा है? क्या रे, मछली लाने के लिए बोली थी ना, मछली कहाँ है? हाँ, इस टोकरी में। रोज रोज मछली हाथ में लटका कर लाने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इस टोकरी में रख कर लाया हूँ। मछली लाने का यह तरीका नया है। वाह, बहुत अच्छा बात बोले हो तो तुम नकुल। नकुल, मेरा एक काम करेगा तू? क्या काम है मालिक? सुन मेरी बात। क्या समझ गया तू? हाँ समझ गया। तो ठीक है, कल सुबह। क्या रे नकुल, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? क्यों भाई? अगर नहीं है तो क्या है, ऐसे किसी को कोई टोकरी में बैठा कर ले जाता है क्या? आओ, मुझे तो लगता है गोपाल का दिमाग भी घूम गया है। आओ। क्यों क्यों, दिमाग खराब नहीं है तो ऐसे ही कोई टोकरी में बैठ कर जाता है क्या? अरे ये दोनों जुड़वा पागल है क्या? पागल 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 पागल। अरे नकुल, दौड़ बैठ वरना मैं गिर जाऊंगा। महाराज, गोपाल जी आ गए हैं, मतलब उन्हें लेकर आया गया है। मतलब कह कर नहीं बता सकता महाराज, आप स्वयं खुद आकर देख सकते हैं। ठीक है, चलो ए सब चलो। बस बस, यहीं रुक जाओ नकुल। कोई है, पकड़ कर उतरवाओ इसे जल्दी।
क्या हुआ गोपाल, पैर में चोट लग गई है क्या तुम्हें? हाँ, ऐसी बात नहीं है महाराज। तो फिर कोई गलत काम करते वक्त पकड़ा गए थे क्या गोपाल? हाँ बताओ, इसलिए तुम्हारे पैर में चोट लग गया होगा, अब समझा? अरे नहीं। तो फिर तुम्हारे पैर में कोई पागल कुत्ते ने काट लिया है क्या, बताओ? ओ भी नहीं। तो फिर रोज पैदल ही चलकर आता हूँ राज दरबार में, आज टोकरी में बैठकर आ गया महाराज। राज दरबार में तो आया, लेकिन आने का तरीका बिल्कुल नया था, और इसे कहते हैं नितंग नवंग। विद्यालय में पांचवी कक्षा में एक नया लड़का आया है। उस लड़के का नाम दासुरथ है। प्यार से उसे सब दासु बुलाते हैं। पतला दुबला और आंखें गोल गोल, कान बड़े बड़े, सर में खरे खरे बाल है, जोकर जैसा लगता था। एक दिन वो देखो, दासुरथी राजसभा में प्रवेश कर रहे हैं। उसे देखकर मुझे एक कविता याद आता है। कौन सा कविता, कौन सा कविता? बंदर मामा चले बाजार, सूट बूट पहन के तैयार, आंखों में चश्मा सर पे बाल। दूसरी तरफ क्लास में और एक लड़का था जो बहुत ही अच्छा था। उसका नाम था जगवंधु। बच्चे उसके पास जाते थे पढ़ाई के बारे में पूछने के लिए। जगबंधु, मुझे ये सवाल बता दोगे? ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। पहले एलसीएम करो, फिर उसके बाद जीसीएम, हो गया कंप्लीट। ठीक है। जगबंधु पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। अचानक उसके मन में घमंड आया। एक दिन दासु उसके पास कुछ पूछने के लिए आया। तभी बोला, इस इंग्लिश वर्ड का मतलब बताएगा मुझे तू? अरे मैं इंग्लिश में तो पूरा जीलो हूँ, तू जाके जलधर से पूछ जा। नहीं भाई, मुझे नहीं पता, तू जाके जगबंधु से पूछ, वो पढ़ने में ठीक है। जगबंधु, मुझे इस इंग्लिश का मीनिंग बता दोगे तुम? मेरा कोई काम धंधा नहीं है क्या? आज तुझे इंग्लिश बता दूं, कल उसे मैथ बता दूं, रोज कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ पूछता रहता है, मैं यही करूं क्या बैठ के क्लास में? तू बहुत घमंडी लड़का है तो। रुको, सर जी को आने दो, मैं बताता हूँ। सर जी देखिए ना, दासु मेरे को गंदा लड़का बोला है। क्या इतनी बड़ी बात? दासु, बेंच के ऊपर कान पकड़ कर खड़े हो जाओ। तेरे से मैं बदला लेकर रहूंगा, तू मेरे को सजा दिलवाया है ना? कक्षा में इंग्लिश पढ़ाते थे विजय बाबू। जगबंधु को इंग्लिश के सर बहुत मानते थे। जब कक्षा में आते थे इंग्लिश पढ़ाने के लिए, तब जगबंधु से किताब लेते थे। जगबंधु, अपना इंग्लिश का किताब दो। ए लीजिए सर। किताब किसका है? जी मेरा सर। नया सिलेबस है क्या? जी। पूरा किताब बदल गया है। इंग्लिश के किताबों में रामायण महाभारत लिख कर रखे हो, कब से ये काम कर रहे हो तुम? जी जी सर। क्या बेंच के ऊपर चढ़ कर कान पकड़ कर खड़े हो जाओ।
ये जरूर किसी का साजिश है। आज सुबह ही मैं बैग पैकिंग करते समय ग्रीन कवर वाला इंग्लिश का बुक रखा था और स्कूल में आकर देखा कि बुक चेंज हो गया। ये मेरा साजिश था। तुम सर को कंप्लेन करके मेरे को सजा दिलवाए थे ना, इसीलिए मैं बदला लेने के लिए तुम्हारा किताब चेंज कर दिया था। ये लो तुम्हारा किताब, लो 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 अपना। उस घटना के बाद जगबंधु का घमंड टूट कर चूर चूर हो गया। देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। बहुत देर हो गई, मगर अभी तक पुजारी नहीं आया महाराज। वही तो सोच रहा हूँ, मैं थोड़ा आगे जाकर देखूं महाराज। ओह, कितनी गर्मी है, प्यास के मारे गला सूख गया है। जाता हूँ पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। देखो हम लोगों के पुजारी वहाँ बैठे हैं। ये क्या, पेड़ के नीचे बैठकर हाथ पैर फैलाकर गोद में सिंहासन लेकर आराम कर रहे हैं। ये बात तो महामंत्री को जाकर बताना पड़ेगा। अभी जाकर महामंत्री को बताता हूँ। नहीं 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 नहीं, ये क्या बोल रहे हो, आने दो पंडित को, बताता हूँ। प्रणाम महाराज, आने में थोड़ी देर हो गई, चलिए अब पूजा शुरू करते हैं। आज से आप अपना पूजा करने का अधिकार खो दिए। लेकिन मेरी गलती क्या है महाराज? आप पेड़ के नीचे बैठकर गोद में सिंहासन रखकर आराम कर रहे थे और बोलते हो देर हो गई, ये बात क्या झूठ है? नहीं महाराज। ये क्या पंडित जी, आप वो पवित्र सिंहासन को अपवित्र करके जो अपमान किए हैं, उसी कारण आपको इस पाप के लिए प्राश्चित करना होगा। और जब तक आप अपने पाप का प्राश्चित नहीं कर लेते, तब तक राजमहल में पूजा एवं पूरे नगर में भी आप पूजा नहीं कर सकते। अगर आप कहीं पूजा किए तो आपको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। अब तुम ही बताओ गोपाल, एक पुजारी का अगर पूजा करना बंद हो जाए तो कैसे चलेगा? रोइए मत पुजारी जी, आप दो तीन दिन धैर्य रखिए, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ठीक है गोपाल। चलो गोपाल, थोड़ा घूम आते हैं। चलिए महाराज। ये कहाँ लेकर आए हो गोपाल, यहाँ बहुत बदबूदार वातावरण है। शमशान है महाराज, देख नहीं रहे हैं, चारों तरफ चिताएं जल रही हैं। सारथी, तुरंत रथ वापस ले चलो। जो आ गया महाराज। ओह, अशुद्ध हो गया हो, अब इस ठंड में भी नहाना पड़ेगा आपको भी और हमको भी। क्यों, शमशान में जो मटका था, लग रहा है वह चिता बुझाने वाला मटका था महाराज। रात तो एक वाहन है, उसके पहिए के नीचे चिता बुझाने वाला मटका टूटे या फिर चिता जलाने वाला लकड़ी टूटे, उससे हमको क्या फर्क? महाराज, गरीब पंडित जी भी तो नारायण सिंहासन लेकर राजमहल जा रहे थे, वो भी तो भगवान के वाहन थे, तो इससे नारायण कैसे अशुद्ध हो गए? तुम्हारी बुद्धि न्याय शास्त्री का जवाब नहीं, लेकिन वहाँ तो धर्म शास्त्र का उल्लंघन किया था, इसलिए उनको तो प्राश्चित पूरी करनी पड़ेगी।
तुम जाकर उनको बोलो अपनी प्रायश्चित पूरी करके राज दरबार में आए पूजा के लिए, और जो भी खर्च होंगे वो मैं दूंगा। ठीक है महाराज। सचमुच गोपाल, आज तुम्हारे वजह से मैं फिर से पूजा पाठ शुरू कर दिया। तुम्हारा ये कर्ज मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा गोपाल, जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा।